तो तुम्हारा कैरेक्टर भी कुछ ऐसा दिखता है? अगर हाँ तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वो कुछ ऐसा दिख सकता है। तो अपना कैरेक्टर बनाने के लिए सीधे ही पेंसिल उठा के उसे बनाने मत लग जाओ। पहले थोड़ा बैठ के सोचो कि तुम्हें अपना कैरेक्टर किस तरह का बनाना है। तुम आइडिया लेने के लिए रेफरेंसेस का भी यूज कर सकते हो। लाइक तुम डीसी कॉमिक्स की तरह बनाना चाहते हो, एनिमे की तरह बनाना चाहते हो, डिज्नी 3D मूवीज की तरह, रिक एंड मोर्टी की तरह, एडवेंचर टाइम, सैम डज आर्ट, केज, डॉवे जैसा, या अपने खुद के स्टाइल में बनाना चाहते हो। एक बार स्टाइल डिसाइड करने के बाद अब तुम्हें अपने कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के बारे में सोचना है। इसे डिटेल में समझने के लिए मेरी इस वाली वीडियो को जाके देख लेना। देखो बस एक वीडियो के लिए भी तुम्हें अपने कैरेक्टर को 1000 बार तक भी ड्रॉ करना पड़ सकता है। इसलिए अपना कैरेक्टर बनाते वक्त ये 2-3 चीजें हमेशा ध्यान में रखना। पहला, एनिमे के जैसे या मीराबेल जैसे बाल बिल्कुल भी मत बनाना। अगर तुम्हारे बाल रियल लाइफ में भी घुंघराल है मेरी तरह, तो भी उन्हें थोड़ा सिंप्लीफाई करके ही बनाना, वरना इस तरह के बालों को एनिमेट करने में तुम्हारी, समझ रहे हो ना। दूसरी बात ये ध्यान में रखना कि हर चीज को 3D में बनाने की कोशिश करना। मैं किसी 3D सॉफ्टवेयर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बनाओ अपने नॉर्मल स्केचिंग ऐप में ही। बस अपने कैरेक्टर्स और सीन्स को बनाने से पहले 3D स्पेस में विजुअलाइज करो, यानी इसे एक फ्लैट सर्कल की जगह एक स्फीयर या एक बॉल की तरह कंसीडर करो। इसे बस एक फ्लैट चाइल्ड लाइनों के बॉक्स की जगह एक 3D क्यूब की तरह समझो। देखो किसी भी 2D सरफेस पे 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वॉल्यूम, फॉर्म, फोरशॉर्टिंग, शेप, पर्सपेक्टिव जैसी चीजों का इस्तेमाल होता है। अब क्योंकि ये काफी डिटेल टॉपिक है तो इसे किसी दूसरे वीडियो में तसल्ली से समझेंगे। तीसरी चीज ध्यान में रखना कि तुम्हें ना ही बिल्कुल रियलिस्टिक कैरेक्टर्स बनाने हैं और ना ही डिज्नी जैसे एकदम इमेजिनरी। तुम्हारे कैरेक्टर समवेयर इन द मिडल स्टैंड करने चाहिए, कि वो थोड़े कार्टूनिश भी हों और थोड़े रियल लाइफ से भी रिलेट करें। अब बात आती है कि इसे एक्चुअल में करना कैसे है। तो अपना कैरेक्टर बनाने के लिए जो सबसे बेस्ट ऐप है और जिसका मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ, उसका नाम है स्केचबुक। नहीं ये कोई ऐप नहीं है, मैं तुम्हारी फिजिकल स्केचबुक के बारे में ही बात कर रहा हूँ। यार सच में जो फील पेपर पे बनाने में आता है वो कभी डिजिटल स्क्रीन पे आ ही नहीं सकता है, अनलेस तुम्हारे पास 1 लाख रुपए का डिस्प्ले टैबलेट हो। तो चेहरा बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करो। अब इस सर्कल के बीचों बीच इस तरह से 2 लाइंस ड्रॉ करो। ये वर्टिकल लाइन बताती है कि ये लेफ्ट टू राइट किस डायरेक्शन में देख रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन बता रही है कि ये ऊपर देख रहा है या नीचे। अब इस सर्कल को एज अ बेस समझ के हमें इसके ऊपर अपने कैरेक्टर का फेस ड्रॉ करना है। यू कैन यूज मेनी शेप्स लाइक सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, ओवल, बट अगर तुम्हें ये जेनेरिक शेप्स का यूज नहीं करना है और तुम कुछ यूनिक बनाना चाहते हो, देन माई बेस्ट एडवाइस फॉर यू इज कि तुम अपने घर के आसपास देखो। यू विल फाइंड आउट सम क्रेजी शेप्स अराउंड यू, लाइक दीज आर द थिंग्स दैट आई फाउंड आउट इन माई रूम। और जब मैंने इन शेप्स को ड्रॉ करने की कोशिश करी, देन आई गॉट दीज क्रेजी रिजल्ट्स। इट शोज यू कि तुम अपनी इमेजिनेशन को किस लेवल तक ले जा सकते हो। तो अभी के लिए मैंने ये वाली शेप ड्रॉ कर लिया। कैरेक्टर की मेन बॉडी बनाने के लिए तुम्हें एनाटॉमी के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, नसें, जॉइंट्स के बारे में पता करने को ही एनाटॉमी कहते हैं। तो चलो फेस से शुरू करते हैं। तो ये मसल जो हमारे माथे पे होती है इसे कहते हैं ऑक्स। एक जनरल रूल ऑफ थंब है कि ह्यूमन फिगर की अपर बॉडी और लोअर बॉडी लगभग सेम साइज की होती है, इसलिए हम यहाँ पे एक सेंटर मार्क कर लेंगे। अब हम इसके शोल्डर्स को डिफाइन करने के लिए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर दोनों एंड में एक एक गोला बना देंगे। रिब केज को सिंप्लीफाई करके हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, और पेल्विस को कुछ इस तरह से बना सकते हैं। फिर बस रिब केज और पेल्विस को जोड़ने से तुम्हारा टॉर्सो बन जाएगा। फॉर दोज हु डोंट नो, हमारी बॉडी के इस पार्ट को टॉर्सो कहा जाता है। पैर को बनाने के लिए हम सिलेंड्रिकल शेप का यूज करेंगे। इसे मेनली 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, थाइस यानी अपर लेग, फिर लोअर लेग और फीट। सेम गोज विद आर्म्स, पहले अपर आर्म ड्रॉ करो, फिर लोअर आर्म ड्रॉ करो और फिर हैंड्स ड्रॉ करो। तो ये था एक सिंप्लीफाइड वर्जन एक एवरेज ह्यूमन एनाटॉमी को ड्रॉ करने का, पर इसमें वेरिएशन ऐड करके तुम इसे और इंटरेस्टिंग भी बना सकते हो। सारी बिग शेप्स बनाने के बाद अब हमें स्मॉलर शेप्स बनानी है। और जैसे कि मैंने कहा था कि बालों को कॉम्प्लेक्स मत बनाना, सिंपल ही रखना, इसीलिए मैंने बालों को कुछ इस तरह से बनाया है। अब तुम्हें इसके आँख, मुँह और कान बनाने हैं। कपड़े बनाते वक्त ये ध्यान में रखना कि उसके अंदर ढेर सारे अजीबोगरीब पैटर्न्स ना हो, वरना उन्हें एनिमेट करने में तुम्हें सालों लग जाएंगे। सेम गोज विद लोअर गारमेंट्स, यहाँ पे तुम पैंट, शॉर्ट, लुंगी, ट्राउजर जो चाहो वो पहना सकते हो। फिर इसे जूते या चप्पल पहना के हमारा रफ स्केच कंप्लीट हो जाता है। रफ स्केच बन जाने के बाद अब हमारा अगला स्टेप आता है। अब अपने रफ स्केच की फोटो क्लिक करके इसे आईबीस पेंट एक्स में ले आओ। अब इसकी ओपेसिटी कम करो, फिर नई लेयर बना के इसके ऊपर आउटलाइंस ड्रॉ करो। लाइंस का वेट तुम अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, आरजी मोस्टली थिन लाइंस का यूज करता है, वाइल नॉट योर टाइप थिक लाइंस का यूज करता है।
लाइन आर्ट ड्रॉ करते हुए ये कोशिश करना है कि तुम स्मूथ लाइंस ड्रॉ करो, ना कि विगली और हैची लाइंस। इंकिंग कंप्लीट होने के बाद हमारा अगला स्टेप आता है कलरिंग में। ज़्यादातर लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है दुनिया भर के कलर्स का इस्तेमाल करना। तुम जितने लिमिटेड कलर पैलेट का इस्तेमाल करोगे तुम्हारी आर्ट उतनी ही बढ़िया लगेगी। लिमिटेड कलर से मेरा मतलब है 3 से 4 एनालॉग्स कलर का यूज़ करना और एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर का यूज़ करना। कीर्ति जाओ इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। कीर्ति अपनी मोस्ट ऑफ द वीडियोज में कूलर कलर्स का इस्तेमाल करता है और टू बी स्पेसिफिक कलर व्हील के इन कलर्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। मोर ओवर इसको और कॉन्ट्रास्ट देने के लिए और अपनी ऑडियंस की अटेंशन खींचने के लिए वो येलो कलर का इस्तेमाल करता है जो कि इनका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। बेस्ट कलर पैलेट ढूंढने के लिए तुम इन वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने इन कैरेक्टर्स को पेंट करने के लिए अलग अलग कलर पैलेट्स का यूज़ करा है। अब हमारा 5वां स्टेप है, सबसे पहले तुम्हें एक लाइट सोर्स को डिफाइन करना है। जैसे यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड पे लाइट सोर्स को एज्यूम किया है, फिर उसे ही ध्यान में रख के तुम्हें शेडोज और हाईलाइट्स पेंट करनी है। और जैसे कि मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि इसे एक फ्लैट ऑब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि एक 3D स्ट्रक्चर की तरह देखना, और इसीलिए इसमें शेडोज इस तरह की नहीं बल्कि इस तरह की होनी चाहिए। पर हाँ, हाईलाइट्स को मिनिमली रखना, क्योंकि अगर तुम शेडोज और हाईलाइट्स दोनों के ही बहुत ज़्यादा कर दोगे तो वो काफ़ी अजीब सा दिखाई देगा। फिर इसी तरह से पूरे कैरेक्टर को शेड कर दो और लो, बन गया तुम्हारा कैरेक्टर। हम 50K के बहुत करीब है तो साल के पूरे होने से पहले प्लीज करवा देना। अपना कैरेक्टर बना के मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलना।